तो हमारे साथ अभी खेसारी भैया जी के पापा जी हैं। शुरू शुरू में ऐसा लगता है ना कि हमारा बेटा गाने बजाने में कहाँ लग गया ये। ना ना ऐसी बात नहीं है, हम लोग का यूपी बिहार में सब गान बजान। ये उनका नया घर है जो अभी बन रहा है और गांव में उनका एक पुराना घर भी है, तीन तल्ला मकान है। इसको तीन तल्ला बोलेंगे भाई, हमारे यहाँ तीन मंजिला बोलते हैं, ये लोग बोलेंगे कि तीन तल्ला मकान है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फिलहाल मैं हूँ बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में हूँ। फिलहाल लगभग एक साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने दिनेश लाल यादव निरहुआ का घर दिखाया था जो भोजपुरी के जुबली स्टार हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि भैया आप खेसारी लाल यादव का घर दिखाइए, जो मतलब ये भी भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, इनको ट्रेंडिंग स्टार भी बोला जाता है। इनकी कोई भी मूवी यानी कोई भी गाना इनका आता है यूट्यूब पर ट्रेंडिंग नंबर वन पर रहता है, तो इनको ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं। तो मैंने तभी सोच लिया था कि कभी अगर हमारा पटना जाना रहेगा यानी बिहार की तरफ अगर कभी जाना रहेगा तो ये डिमांड आप लोगों की पूरी करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे कि भैया खेसारी लाल का घर दिखाइए। तो हम पटना आए हुए थे और पटना से जो खेसारी लाल का घर है वो लगभग 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उनका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो छपरा पड़ता है, तो हमें सबसे पहले छपरा जाना पड़ेगा और छपरा से भी 30 से 40 किलोमीटर दूर है उनका घर। मतलब टोटल हमको दिखाया गया है कि मतलब 100 किलोमीटर से ज़्यादा उनका घर पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कल यहाँ पे छठ का पर्व मनाया गया था पटना में, तो कल ये सारी मतलब जो रोड थी बिल्कुल चकाचक भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा जाम था, लेकिन आज बिल्कुल जाम नहीं है, रोड बिल्कुल खाली हो गया है। छठ के पर्व पे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि मतलब पूरा जहाँ पे भी आप पटना में जाओगे आपको जाम मिलेगा। ये देखो रोड पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे धूल वगैरह ना उड़े। और हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से है अभी 105 किलोमीटर दूर, यानी हमें 105 किलोमीटर जाना है और हमारा टाइम इसमें दिखा रहा है 3 घंटे 5 मिनट, यानी 3 घंटे और 5 मिनट हमको लगेंगे। अब देखते हैं एक बार हाईवे पे चढ़ जाएं, उसके बाद कितना टाइम लगता है इसमें पता लगेगा। गलियों को कुछ इस तरह से सजाया गया था, ये जो आप लोग सजावट देख रहे हैं ये कल छठ पर्व जो मनाया गया है उसकी सजावट है। और अभी तो निकल चुकी है लेकिन कल हम यहाँ आए थे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। और अभी हम लोग पटना से निकल चुके हैं, मतलब हाईवे पे चढ़ने वाले हैं, सामने ही हाईवे है और हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है पहले इधर जाना है। चलिए जहाँ जहाँ पे ये हमें गूगल मैप ले जाएगा उधर ही जाएंगे, कभी कभार ऐसा होता है गूगल मैप भी फेल हो जाता है। लोकनायक गंगा पथ पे चलना है हमको शायद। अभी हम लोग हाईवे के ऊपर चढ़ चुके हैं और कल हम यहीं पे आए थे, दीघा घाट है ये जहाँ पे छठ पूजा का कल प्रोग्राम हुआ था, वो देखने के लिए भी हम यहीं पे आए थे। पटना से अभी हम लगभग 20 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं और ये है यहाँ पे रेल पहिया कारखाना, यानी यहाँ पे रेल के पहिए बनते हैं, जगह का नाम है बेला। ये है रसूलपुर से भी जाना है आगे के वही है, रसूलपुर से आगे जाना है कि वही है रसूलपुर ना, तो कोई बता देगा। अच्छा उधर चल के बता देगा। हाँ। ये पीछे छपरा रह गया, ये मार्केट है छपरा का। हाँ, इधर तो जाइए फोर लाइन से सीधे ये वाला पकड़ के पूरा। हाँ, महाराजा होटल से आगे ये यहीं से घूम जाइए, वही मेन रोड पर चला जाएगा ये जो। ठीक ठीक ठीक। खेसारिया के घर है? खेसारिया के घर है जाओ। रसूलपुर। अभी छपरा जो था वो पीछे रह गया और हमको बताया है हमको जाना है रसूलपुर चट्टी शायद, और वो रास्ता ये वाला जाता है, यही है ना, यही बताया था ये रास्ता, हमको बताया था कि यही जाएगा रसूलपुर चट्टी, और वहीं से आपको पूछ लेना है कि खेसारी लाल का घर कहाँ पे है, कोई भी बता देगा। यहाँ से अभी 43 किलोमीटर दूर है रसूलपुर चट्टी और उससे आगे वहीं पे कहीं पे खेसारी लाल यादव का घर है। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं रसूलपुर चट्टी,
वैसे हमने सोचा था कि छपरा में कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि सुबह हम लोग निकले हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन छपरा थोड़ा दूर था, हमको बताया गया कि आगे एक कोई होटल है, काफ़ी अच्छा होटल होगा, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। होटल का नाम भी कुछ बताए थे लेकिन हम भूल गए। होटल हमें एक जगह मिल चुका है, ये है द राज किंगडम, तो यहीं पे खाएंगे पियेंगे। नमस्ते। चलिए, तो ये पराठे आ गए हैं और कुछ इस तरह के हैं। सतुआ पराठा है, अंदर पता नहीं क्या भरा हुआ है, कुछ है तो है नहीं। मेरे हिसाब से सतुआ को उसमें आटे के अंदर मिला के तब बनाया गया होगा। चलिए इसको खाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। पराठा हम लोगों ने खा लिया है और अभी निकलेंगे और सीधा जाके रुकेंगे खेसारी लाल के घर। चलिए अब हाईवे पे पड़ते हैं और डायरेक्ट जाके रुकेंगे अब खेसारी लाल यादव के घर पे। यहाँ पे धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है, चारों तरफ अभी धान ही धान है, जबकि हमारे यहाँ पे धान अब कट के पूरा मतलब निकल चुके हैं। अब हमारे यहाँ गेहूँ बोए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी धान कटे ही नहीं है, बहुत से धान तो अभी हरे हैं बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यहाँ धान की फसल होती है, इस साइड में भी ये धान ही है। हम लोग रसूलपुर चट्टी तो पहुँच चुके हैं और अब हमें यहाँ पे पूछना है खेसारी लाल यादव का गांव किधर है। भैया ये खेसारी लाल यादव का घर गांव किधर है? कितना दूर होगा यहाँ से? एक किलोमीटर। गांव का नाम क्या है? धानाडीह। और ये जगह का नाम? ये रसूलपुर चट्टी है। अच्छा, चलिए रसूलपुर ज़ीरो, तो ये रसूलपुर का मार्केट है। ये जो है ये नया घर है, पुराने वाले का पता नहीं, ये वाला है नया घर। चलिए देखते हैं कौन है इधर। हम लोग अभी खेसारी लाल यादव के घर पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे उनका नया घर बन रहा है। पहले एक बार घर को दिखा देता हूँ, ये उनका नया घर है जो अभी बन रहा है और गांव में उनका एक पुराना घर भी है। तो उनके पापा हैं जो हमें अभी मिले हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं, उन्होंने कह दिया आप आराम से घर वगैरह देख लो, उसके बाद फिर जो भी पूछना आराम से हम एक जगह बैठ के आपको बता देंगे, थोड़ा वो ज़रूरी काम है। तो देखिए ये यहाँ पर जो घर बन रहा है ना, इसमें इतनी ज़्यादा ईंट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसके लिए एक खुद की यहाँ पर मशीन लगा दी है, कि इस मशीन को यहाँ लगा दिया तो यहीं से ईंटें भर रही हैं और इस घर में लग रही हैं। देखिए ईंट की ब्रांड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर देख रहा हो तो लिखा हुआ है कीर्ति। कीर्ति जो है वो खेसारी लाल यादव की बेटी का नाम है, तो उन्हीं के नाम से इन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और ज़्यादातर सभी उन पर कीर्ति ही लिखा हुआ है। ये जो बुलेट बाइक है ये भी खेसारी लाल की ही है, जब वो गाँव में आते हैं तो इस पर भी वो कई बार देखे गए हैं और इस पर भी कीर्ति ही लिखा हुआ है। आइए अब घर पर चलते हैं, घर दिखाते हैं एक बार आपको। घर बहुत ही आलीशान बन रहा है। अभी वो परसों यहाँ पे आए थे छठ पूजा पे, बता रहे थे अंकल हमें कि छठ पूजा पे वो यहाँ पे आए थे तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मतलब उनको एक घंटा या दो घंटा रुके यहाँ पे, फिर वो निकल गए यहाँ से, चले गए, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। तीन तल्ला मकान है, इसको तीन तल्ला बोलेंगे भाई, हमारे यहाँ तीन मंजिला बोलते हैं, ये लोग बोलेंगे कि तीन तल्ला मकान है। यहाँ पर कुछ गाड़ियों का कलेक्शन भी है, एक स्कॉर्पियो खड़ी है और दूसरी शायद इनोवा या फॉर्चुनर, आगे चल के देखना पड़ेगा। ये स्कॉर्पियो है, ये इनोवा है, दोनों ही गाड़ियाँ बीआर यानी बिहार के नंबर की ही हैं। और ये कुछ इस तरह का घर का डिज़ाइन है जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। घर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन रहा है, जैसे कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे जो होटल वगैरह होते हैं वो दिखाए जाते हैं ना, तो ये इनका एक लॉबी है बैठने के लिए और इधर जो है ये बेडरूम वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे। और सामने ही यहाँ पे ये इसका मेन फ्रंट रहेगा, ये वाला जो आगे का हिस्सा है ये यहाँ पे मेन फ्रंट रहेगा और इसी तरह के शायद यहाँ पे ये सारे रूम वगैरह बनाए जा रहे हैं। खेसारी लाल जी के जो माता पिता हैं वो यहीं गाँव में रहते हैं, वो उनके साथ नहीं रहते हैं, मुंबई में पहले शायद रहे होंगे, लेकिन अभी तो दोनों लोग यहीं पर हैं, मम्मी भी उनकी यहीं है नीचे हैं और पापा भी उनके यहीं पर हैं। गांव से ये वाला जो घर है बिल्कुल बाहर बनना है, इनका जो गांव है वो आगे है, वहाँ पे वहाँ पूरा गांव है। भाई साहब बहुत ही एक नंबर व्यू यहाँ से लग रहा है, खेतों का नज़ारा ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है,
भाई साहब हवेली पूरी स्वर्ग बना रहे हैं ये लोग, मतलब यहाँ पे बैठ के आराम से एंजॉय करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी खूबसूरत घर बन रहा है इनका, बनने के बाद और भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे ये पूरा एक खुला हुआ बना रहे हैं, मतलब सिर्फ एक ही शायद इधर रूम है, एक यहाँ पे रूम बना रहे हैं और दूसरा रूम इस साइड में बना रहे हैं, तो दो ही रूम ऊपर रहने वाले हैं, बाद बाकी पूरा पोर्शन खुला हुआ रहेगा। और यहाँ से कुछ इस तरह का ये नीचे का है, और ये जा रही हैं खेसारी लाल जी की मम्मी। लड़के के पास तो हमारे साथ अभी खेसारी भैया जी के पापा जी हैं, तो ये यहाँ पे मिले हुए हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं? नहीं, घर उधर है ना, ये नया बन रहा है, यहाँ देखभाल करने के लिए रहना पड़ता है। अच्छा, वैसे पुराने वाले घर पे पूरी फैमिली रहती है? हाँ, पूरा फैमिली उधर है। तो आप लोग खेसारी भैया के साथ भी मुंबई में गए होंगे? हाँ, बहुत। दिल्ली में अब तो 2007 से, मतलब कि वो दिल्ली में रहते, गान बजाने में अपना वो आ गए। अच्छा, 2007 से वो गाने बजाने में आ गए, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया था, मतलब सहयोग किया था उनका बचपन में? बेटा बेटी कुछ भी होता है तो सपोर्ट माँ बाप के छोड़ के कौन करता है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है ना कि हमारा बेटा गाने बजाने में कहाँ लग गया ये? ना ना, ऐसी बात नहीं है, हम लोग का यूपी बिहार में सब गान बजान, आपका भी भाषा में गाने बजाने वाले कलाकार नहीं है? हमारे भाषा में भी है, सब जगह है, ऐसे तो है। अब जैसे हमारे यहाँ ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा में ब्रज भाषा वाले बहुत सारे कलाकार होते हैं, उसी तरह होता बात है बस। हाँ, तो खेसारी भैया की मूवी वगैरह देखते हैं फिल्म? अरे हम सब देख, बेटा के क्यों, अब देखो यही तो बात है, सब कुछ देखता हूँ, देखेंगे क्यों नहीं, अपने अपने बेटा बेटी पतो बहू को कौन नहीं देखता है, सब देखता। तो भैया कब आए थे अभी लास्ट टाइम? छठ पूजा में आए थे ना, परसों आए थे, थोड़ी देरी रुके, हमें बताया गांव में भी, हमें बताया कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, फिर वो चले गए। ये दिक्कत से भी पूरा बातचीत नहीं हुआ, चले गए। इसीलिए ये घर बन जाएगा तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा कि इसमें घर बनेगा, फिर पूजा पाठ होगा, उसका बाद ना फैमिली सब आएगी तरह। इधर से अब देखो ये पिलर कहीं लगा हुआ है ना, इधर से कवर हो जाएगा ना, भवानी हमारी जड़ती है, इनका भरोसा करता हूँ, ये गेट के बाहर से। अच्छा, जो मंदिर है वो अपन लोगों ने नहीं बनवाया क्या? भैया नहीं बनवाया? नहीं, भैया नहीं बनवाया, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। गाँव का मंदिर, मंदिर तो गाँव पूरे जवार के लिए होता है, गाँव समाज के लिए पूरा मंदिर है, माँ भवानी। नहीं, हम लोग का दादा बाबा परबाजा कितने दिन से है यही, और काफी पुराना है।